my dad's making it hurt. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वक्त जो आप गेमिंग पीसी देख रहे हैं इसकी प्राइस 63,000 रुपीज़ है और इस वीडियो में मैं आपको इन पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आरजीबी केसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइस 6,900 रुपीज़ है और फ्रंट की तरफ आप जो फ़ैन देख रहे हैं इसमें एक फ़ैन की प्राइस 850 रुपीज़ है और बैक वाले फ़ैन की प्राइस 550 रुपीज़ है, तो टोटल आरजीबी केसिंग की प्राइस 10,000 रुपीज़ है। अब इसका ग्लास पैनल खोल लेते हैं और अंदर से अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँगा और यहाँ पर जो मैंने प्रोसेसर यूज़ किया है वो इंटेल i7-3770 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ किया है। इसकी प्राइस 13,000 रुपीज़ है और इस प्रोसेसर में ओवरक्लॉकिंग की ऑप्शन भी मौजूद है। प्रोसेसर में दूसरी ऑप्शन मेरे पास राइजन 5 1600 थी, उसकी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी बेहतर है लेकिन उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो मैंने i7 को ही प्रेफर किया। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ग्राफिक कार्ड है और यहाँ पर मैंने XFX का RX 580 8GB का ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस 23,000 रुपीज़ राउंड अबाउट है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि RX 580 का ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा कंपनीज बनाती हैं, जिस तरह गीगाबाइट हो गई, MSI हो गई, रेड ड्रैगन हो गई, लेकिन मैंने XFX इसलिए चूज किया है क्योंकि इसकी प्राइस उन ग्राफिक कार्ड्स की निस्बत कम है लेकिन परफॉर्मेंस में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मदरबोर्ड के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर मैंने असूस का P8G77V प्रो मदरबोर्ड यूज किया है। ये गेमिंग मदरबोर्ड है और इसकी प्राइस 8,000 रुपीज के राउंड अबाउट है। इससे पहले जो मैंने मदरबोर्ड यूज किया था वो MSI का S61 मदरबोर्ड था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं थी, इसलिए मैंने असूस का ये गेमिंग मदरबोर्ड लिया है। और उसके अलावा इस मदरबोर्ड में हमें 4 रैम की स्लॉट्स मिल जाएंगी और ग्राफिक कार्ड की भी 2 या 3 स्लॉट्स मिल जाती हैं। और एक और फायदा इस मदरबोर्ड का यह भी है कि जब हमें अपना पीसी अपग्रेड करवाना होता है तो हमें मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही काफी अच्छा मदरबोर्ड है। अब रैम के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर मैंने 3 4-4 GB की रैम यूज की है और एक रैम की प्राइस 1600 रुपीज है, तो टोटल 5000 की मुझे रैम पड़ गई। इसमें से एक रैम 1600 मेगाहर्ट्ज की है और बाकी 2 रैम 1300 मेगाहर्ट्ज की है, लेकिन जहां पर आपने जो रैम यूज करनी है वो 1600 की ही यूज करनी है क्योंकि गेमिंग के लिए कम से कम 1600 रैम होनी चाहिए। अब हार्ड डिस्क की बात कर लें तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 500 GB की हार्ड डिस्क यूज की है और यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा गेमिंग पीसी बनाया है लेकिन हार्ड डिस्क कम है, तो उसकी वजह यह है कि मैंने RGB केसिंग तो मस्त लगानी थी और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना था, तो फिर मैं ऐसी चीजों में ही कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, तो जिसकी वजह से मैंने ना SSD लगवाई है और हार्ड डिस्क भी सिर्फ 500 GB लगवाई है और इस हार्ड डिस्क की प्राइस तकरीबन 2000 रुपीज है। अब लास्ट जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो इसकी पावर सप्लाई है और यहाँ पर मैंने कूलर मास्टर की 500 वाट की पावर सप्लाई यूज की है और इसकी प्राइस तकरीबन 2500 रुपीज है, लेकिन जहां पर आप थोड़े से और पैसे लगाकर 550 वाट की पावर सप्लाई ले लें। लेकिन मैं इस पावर सप्लाई में RGB केसिंग को भी यूज कर रहा हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अच्छा, अब ये हो गई कुछ बातें, अब हम गेम टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गेम टेस्ट की है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। यहां पर जो सेटिंग्स थी वो 1080p और हाई सेटिंग्स थी, कुछ 1-2 सेटिंग्स थी जो मैंने मीडियम पे रखी थी और यहां पर आप FPS देख सकते हैं कि मैक्सिमम 90 से ऊपर भी चली जाती है लेकिन एवरेज FPS 85 के राउंड अबाउट है। और यहां पर जब मैं सेटिंग्स बढ़ाता हूं क्वाड HD में करता हूं और सेटिंग्स अल्ट्रा हाई में होती हैं तब मुझे तकरीबन 50+ FPS देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो गेम टेस्ट की है वो है घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सेटिंग्स हाई पे हैं और कुछ 1-2 सेटिंग्स अल्ट्रा हाई पे भी हैं और जहाँ पर मैंने बेंचमार्क टेस्ट किया है और मुझे FPS 60+ ही देखने को मिले हैं। और जो हम गेम टेस्ट करेंगे वो है रेजिडेंट ईवल 2 और यहाँ पर जो मैंने सेटिंग्स रखी हैं वो तमाम सेटिंग्स हाई पे हैं और यहाँ पर जो FPS देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, 90+ FPS हैं।
अब लास्ट में जो गेम टेस्ट करेंगे वो है Assassin's Creed Odyssey, और यहाँ पर सेटिंग्स हमने 1080p हाई पे रखी हैं और रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग है, सिर्फ 40 के राउंड अबाउट FPS दे रहा है। मैंने यहाँ पर सेटिंग्स मीडियम पे करके भी देखी, तब भी FPS में कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। फिर मैंने इंटरनेट में सर्च किया और RX 580 के लिए Assassin's Creed के FPS चेक किए, तो इस ग्राफिक कार्ड में हमें इस गेम में यही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अब लास्ट में इस गेमिंग माउस के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसकी प्राइस 700 रुपीज़ है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।